नमस्ते बच्चों, हमारी 10वीं कक्षा का गद्य भाग का पहला पाठ आज हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। प्रेमचंद जी लिखित बड़े भाई साहब इस लेसन को सीखने पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने उर्दू में गुलाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। उर्दू में प्रकाशित उनका पहला कहानी संग्रह सोजेवत था, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। उन्होंने स्कूल मास्टर, इंस्पेक्टर, मैनेजरी की नौकरी करने के अतिरिक्त हंस और माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अपने जीवन का कुछ समय उन्होंने फिल्मी नगरी बंबई में भी बिताया, किंतु वह अधिक समय तक वहां नहीं रहे। हालांकि उनकी कई रचनाओं पर यादगार फिल्में भी बनी हैं। प्रेमचंद जी के अनेक रचना साहित्य के कारण उन्हें सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनकी सभी कहानियां मानस सरोवर इस खंड में संकलित है। यह मानस सरोवर 8 खंड का लिखा हुआ उपन्यास है, कहानी संग्रह है। उनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। यह उनका अपूर्ण ऐसा उपन्यास रहा है। बच्चों, इस पाठ की रूपरेखा में हम देखेंगे कि प्रेमचंद जी ने यहाँ पर किस बात का उल्लेख किया है। यह प्रस्तुत पाठ एक बड़े भाई साहब है और एक उनका छोटा भाई, जो उनसे 5 साल छोटा है। परिवार में बड़ा भाई होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी आदर्शात्मक उपेक्षाएं की जाती है। वह स्वयं भी कई कार्य करते जो उनके छोटे भाई के लिए आदर्श बन सके। इसीलिए वह हर समय पढ़ाई करते रहते हैं और छोटे भाई पर कड़ी निगरानी रखते हैं। समय समय पर अपने छोटे भाई को पढ़ाई के प्रति गंभीर रूप से सचेत भी करते रहते थे। इस आदर्श रूप को बनाने के लिए वह अपना बचपन भी खो बैठते हैं। इस प्रकार पाठ में सार्थक पढ़ाई करने तथा शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंगात्मक वर्णन किया गया है। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं अब हम इस पाठ को। कुछ मुद्दों के जरिए इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बड़े भाई साहब के व्यक्तित्व के बारे में सबसे पहले लेखक ने उल्लेख किया है। कहानी में लेखक ने अपने बड़े भाई साहब को 14 वर्ष का बताया है। आयु में 5 वर्ष का अंतर होने पर भी लेखक से कक्षा में केवल 3 दर्जा यानी 3 कक्षा ही वो आगे थे, क्योंकि वह शिक्षा पाने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वह तालीम रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लगा जाते थे। उनका विश्वास था कि बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान पायेदार नहीं बन सकता। यानी कि यहाँ पर लेखक के जो बड़े भाई साहब हैं, ये बड़े भाई साहब एक कक्षा में 2 या 3 साल फेल हो जाते थे, और इस तरह से वो छोटे भाई को समझाते थे कि मैं अपनी बुनियाद क्या कर रहा हूँ, मजबूत बना रहा हूँ, यानी अपना बेस पक्का कर रहा हूँ। मैं समझ कर पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे इस तरह से कक्षा में कभी 2 तो कभी 3 साल लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त वह लेखक की हर हरकत पर बारीक निगाह रखते थे और किसी भी गलती पर लेखक को खूब डांटा करते। बड़े भाई साहब अधिकांश समय अपनी पुस्तकें खोले बैठे रहते, किंतु उनका दिमाग कहीं और ही हो जाता था। कई बार लेखक ने भाई साहब की कॉपियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनी देखी थी। यही नहीं,
वह कुछ विचित्र शब्दों को अपनी कॉपी पर लिखा करते थे जिसका अर्थ लेखक की समझ में नहीं आता था, और छोटा होने के कारण लेखक उनसे उन विचित्र शब्दों का अर्थ भी नहीं पूछ पाते थे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती। इसीलिए बड़े भाई छोटे भाई ने कभी बड़े भाई को उसके बारे में पूछा ही नहीं। अब यहाँ पर ये बड़े भाई साहब किस तरह से छोटे भाई को निर्देशन और नसीहतें देते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। लेखक खेल कूद में बहुत रुचि लेता था और अवसर पाते ही हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेलने या गप्पे मारने लगता। जब वह इन गतिविधियों से निपटकर अपने कमरे में वापस आता तो भाई साहब उससे प्रश्न पूछने को तैयार रहते। कहाँ थे? यह प्रश्न सुनते ही लेखक कांप जाता। उसके बाद बड़े भाई साहब के उपदेश चालू हो जाते थे, जिसमें इस बात पर जोर होता था कि अंग्रेजी जैसे विषय को पढ़ना और समझना आसान नहीं है। यह जानते हुए भी लेखक अपना समय खेल कूदने और गप्पे हांकने में ही लगा देता था। वह लेखक को इस बात के लिए लताड़ते यानी डांटते थे कि यदि उसने पढ़ने में रुचि नहीं है तो वह क्यों यहाँ रहकर दादाजी की मेहनत की कमाई को बेकार कर रहा है। देखो बच्चों, अपने बड़े भाई की यह नसीहतें सुनकर छोटा भाई मन में ठान लेता है कि अब भाई साहब को बोलने का मौका नहीं देंगे, जम कर पढ़ाई करेंगे। इसीलिए छोटा भाई क्या करते हैं देखते हैं। छोटा भाई यानी लेखक द्वारा पढ़ाई की कुछ योजनाएं बनाई जाती है। बड़े भाई साहब से डांट खाकर लेखक को बहुत दुख होता है और वह निराश हो जाता। ऐसे में वह पढ़ाई करने की योजना बनाता। सबसे पहले पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया जाता और इसमें सुबह से रात तक की हर गतिविधियों को समय दिया जाता है, जिसमें खेल कूद का नामो निशान भी नहीं होता। लेकिन पहले ही दिन से उस टाइम टेबल से लेखक का ध्यान हट जाता है और वो फिर से खेल कूद शुरू कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे भाई साहब की डांट और नसीहतें फिर से सुननी पड़ती है। देखो बच्चों, उसी साल वार्षिक परीक्षा हुई और लेखक का परीक्षा फल निकलता है। अब देखते हैं कि क्या परीक्षा फल निकला है। वार्षिक परीक्षा हो गई और परीक्षा फल निकला तो लेखक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कक्षा में प्रथम आया है, जबकि उसके बड़े भाई साहब फेल हो गए। ऐसे में उनका दिल किया कि वह जाकर बड़े भाई साहब से पूछे कि तुमने इतना पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लिया। लेकिन लेखक छोटा था, इसलिए वह इन सब बातों को मन में ही सोचकर चुप रहा जाता है। अगले दिन से उसने बड़े भाई साहब की डांट की चिंता किए बिना खेलने जाना प्रारंभ कर दिया। देखो, छोटे होते ही ऐसे हैं। अगर बड़ों की कोई गलती हो गई और बड़ों के ने कुछ ऐसा परिणाम उनके बारे में गलत हो जाता है तो छोटे जरा थोड़ा सा रुबाबदार बन जाते हैं। वो तो उस समय उनको बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मन ही मन में उन्हें बहुत खुशी होती है कि देखो कैसे मुझे बोलते थे और अब खुद का क्या हुआ। उसी तरह से यहाँ पर लेखक का भी हुआ। लेखक के मन में बड़ी खुशी हुई जब अपने बड़े भाई साहब फेल हुए, तब उसने क्या किया कि अपने भाई साहब की डांट की चिंता भी नहीं की और तुरंत खेलने के लिए आरंभ कर दिया। लेकिन बच्चों, यहाँ पर ध्यान में रखो, ये बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर लेखक को नहीं मिलती ना तो शायद छोटा भाई परीक्षा में कभी अव्वल ही नहीं आता, है ना। कम से कम बड़े भाई की इस डांट फटकार के कारण तो भी छोटे भाई ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की और उसका परिणाम अच्छा निकला। बड़े भाई साहब लेखक की इस निडरता को भाप चुके थे, यानी वो पहचान गए। इसीलिए एक दिन उन्होंने लेखक को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कक्षा में प्रथम आने से वह घमंडी हो गया है। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा,
कि घमंड करना बुरी आदत है, घमंड व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। उन्होंने लेखक को घमंड त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा तथा साथ ही लेखक को यह भी बताया कि वह इस बार प्रथम आ गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसे यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब वह उनकी कक्षा में आएगा तो दांतों पसीना आ जाएगा, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब समझ में आ जाएगा कि आटे दाल का भाव क्या होता है, परिस्थिति कैसी होती है, जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है तो किस तरह से पढ़ाई की जिम्मेदारी बढ़ती है, पढ़ाई की लेवल बढ़ जाती है, दर्जा बढ़ जाता है। यही बात यहाँ पर बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 8 तो हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स और दर्जनों ही विलियम्स और करोड़ों चार्ल्स। इनके नाम और काम याद करते करते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री छात्रों का खून चूस लेती है। अब के बदले अजब अगर हमने किया तो कैसे पूरे मार्क्स कट जाते हैं, ये तब तुम्हें पता चलेगा। तो इस तरह से ये छोटे भाई को बड़े भाई इस तरह से फिर से डांटते हैं और समझाते हैं इतिहास के अनेक उदाहरण देकर। और आगे जाकर यहाँ पर ही लेखक के छोटे भाई ने उन्हें यह भी बताया है कि समुचित शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है कि किस तरह से ये समुचित शिक्षा में रटकड़ पढ़ाई करते हैं। दिन रात बड़े भाई जो थे वो दिन रात पुस्तक के एक एक शब्द को रटते रहते हैं और उनका अर्थ जानने की कोशिश ही नहीं करते। उनके अतिरिक्त खेलकूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है। वे कहते हैं कि विषय को समझने के साथ स्थान पर केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है। यानी बच्चों देखो, कोई भी बात समझ कर लो, उसे रटना नहीं है, रटकर मत रखो, सिर्फ रट्टा मत मारो। जब आप उस बात को समझोगे तो तुम उसे व्यवहार में बहुत अच्छी तरह से ले आओगे। तो यही यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी अवश्य होता है और यह व्यावहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इस तरह से यहाँ पर उन्होंने हमें यह समझाया है कि समुची शिक्षा जो है उसके तौर तरीके करते समय रटना बिल्कुल गलत बात है। समझ कर लेना और अपने शब्दों में लिखना, यही शिक्षा का सरल और सही उद्देश्य होता है। अब देखो, यहाँ पर शिक्षा के नाम पर छात्रों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में क्या कहा है इस पाठ में। बड़े भाई साहब के अनुसार जो कुछ किताबों में लिखा है उसे वैसा ही नहीं पढ़ा तो परीक्षा पास ही नहीं की जा सकती। वो कहते हैं कि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध अध्यापक ने लिखने के लिए कहा। परीक्षा लेने वाले पर यह व्यंग करते हुए वे कहते हैं कि यदि समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखा जाएगा तो यह समय की बर्बादी ही होगी, यह छात्रों पर अत्याचार ही है। संक्षेप में लिखने को कहकर 4 पन्ने लिखवाए जाते हैं। लेखक को इन सब बातों के विषय में विस्तार से बात कर बड़े भाई साहब इस बात पर जोर देते हैं कि बड़ी कक्षा की पढ़ाई आसान नहीं है और भले ही वह फेल हो गए हों किंतु वह अनुभव में लेखक से बड़े हैं और सदैव बड़े ही रहेंगे। छोटे भाई ने भी इस बात को कभी इनकार नहीं किया कि बड़े भाई साहब जो हैं वो कभी छोटे नहीं बन सकते, यानी वो उन्हें कभी डांट नहीं सकते, उनके ऊपर रोब नहीं जमा सकते, क्योंकि वो भले ही पढ़ाई में कम पढ़ रहे हो लेकिन उम्र से उनसे बड़े होने के कारण उनका वो अधिकार है उन्हें डांटना फटकारना, है ना, और वो सदैव उनके बड़े भाई ही रहेंगे। एक बार फिर वार्षिक परीक्षा हो जाती है और उस वार्षिक परीक्षा में बड़े भाई साहब फेल और लेखक फिर से दर्जे में अव्वल आ जाता है। अब
बड़े भाई साहब ने दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, लेकिन वह फिर फेल हो गए। लेखक को अपने भाई के फेल होने पर बहुत दुख हुआ और उन पर दया भी आ गई। इस बार लेखक और बड़े भाई के बीच केवल एक ही कक्षा का अंतर रह गया। एक बार लेखक को यह बुरा विचार उसके मन में आया कि यदि इस बार भी बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और वह पास हो गया तो दोनों एक ही दर्जे में पढ़ेंगे और उस समय बड़े भाई उनकी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से छोटे भाई ने यानी लेखक ने यह मन में ठान लिया था, उसके मन में ये विचार तो आ गया अपने बड़े भाई के प्रति थोड़ा सा बुरा, और उससे उसे थोड़ी खुशी भी हो रही थी। लेकिन देखो, बड़े भाई साहब के व्यवहार में जब दूसरी बार भी फेल होने के बाद दोनों भाई एक ही दर्जा सिर्फ उनके बीच में रह गया, तब वो थोड़े से नाराज हो गए बड़े भाई साहब, दुखी हुए और वो थोड़े से नरम दिल से रहने लगे। उन्होंने अपने छोटे भाई को नसीहतें देना, डांटना, फटकारना थोड़ा सा कम कर दिया था, यह मानो कि न के बराबर ही कर दिया था। इसका परिणाम क्या हुआ, देखो, बड़े छोटे भाई जो थे वो छोटे भाई और भी थोड़े से गर्वीले हो गए थे। इस बार भी फेल होने से बड़े भाई साहब दुखी थे। अब उनके व्यवहार में लेखक के प्रति जो नरमी आ गई थी, उनको यह भी लगने लगा था कि अब उन्हें लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। इसका फायदा उठाते हुए लेखक ने खेलने में अधिक समय लगाना शुरू कर दिया। देखो, बड़े भाई की इस थोड़ी सी समझदारी, उनका शांत बैठना, दुखी होना, इस बात का छोटे भाई ने ऐसे फायदा उठाया कि वो अब बड़े भाई के सामने छाती तान कर खेल कूदने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बड़े भाई साहब दुखी है, हमारे बीच में केवल एक ही दर्जे का अब फासला रह गया है और वो तो मुझे अभी डांटेंगे भी नहीं, कुछ बोलेंगे भी नहीं, इसलिए अब वो क्या करने लगा, अपनी मनमानी करने लगा। इसके बाद भी वह इस बात का ध्यान अवश्य रखता था कि कहीं उसके बड़े भाई साहब उसे यह सब करते देख न ले। वो क्या करने लगा कि उसने क्या फायदा उठाया, तो खेलने में अधिक समय लगने लगा, आवारा बच्चों के साथ पतंगबाजी में लगा रहता था, और उस समय भी उसके मन में यह डर लगा रहता था कि कहीं भाई साहब मुझे देख न ले, मुझे फिर से डांट फटकार शुरू न कर दे। इस तरह से ये भी मन में उसके डर था, जहाँ कहीं वो निडरता से भी खेल कूद में भाग लेता था, आवारा बच्चों के साथ पतंगबाजी करता था, लेकिन मन में बड़े भाई के प्रति डर भी उसके मन में हुआ करता था। एक दिन अचानक लेखक एक कटी हुई पतंग लूटने जा रहा था कि बड़े भाई साहब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वही डांटना उसने शुरू कर दिया कि आठवीं कक्षा में आकर भी इन लड़कों के साथ पतंग लूटने में तुम्हें शर्म नहीं आती, कम से कम उसे अपनी पोजीशन का तो ध्यान रखना चाहिए। किसी जमाने में इतने पढ़े लिखे लोग नायब, तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हो जाते थे, और आज भी कहीं मिडिल पास लोग अखबारों के संपादक हैं। यह मान लिया कि तुम होशियार हो, और यह भी हो सकता है कि तुम कल मेरी कक्षा में आ जाओ या मेरे से भी आगे निकल जाओ। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता और तुम अपनी मनमानी करते रहोगे। देखो, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई के मन की बात जो थी उसे बराबर भाप लिया, पहचान लिया, और उसने वो बोलकर दिखाया। तब छोटा भाई देखता ही रह गया, और इस तरह से लेखक को बड़े भाई साहब ने और भी अपने अनुभव के जोर पर क्या कहा, देखते हैं। बड़े भाई साहब ने लेखक को अनुभव का महत्व बताते हुए कहा कि हमारे दादा और अम्मा अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यह उनका हक है कि वह हमें समझाएं। उन्होंने कई स्थितियों का उदाहरण देकर बताया कि तजुर्बे व्यक्ति चाहे बड़ा पढ़ा लिखा न हो, फिर भी वह पढ़े लिखे कम अनुभवी व्यक्ति से अधिक समझदार होता है। उन्होंने अपने दादाजी, अम्मा जी और अपने हेडमास्टर का उदाहरण देकर लेखक को
समझाया कि पढ़ा लिखा होना एक बात है और अनुभवी होना एक अलग बात है। उन्होंने लेखक को समझाते हुए फिर कहा कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मैं बड़ा और अनुभवी होने के नाते तुम्हें ये राह से भटकने नहीं दूंगा, और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ। तो इस तरह से देखो, अपने छोटे भाई को गलत राह पर चलते देख बड़ा भाई फिर से क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ, और उसने उसे यूं ही छोड़ा नहीं, तो उसे उसी समय पर अपने दादाजी, अम्मा जी और अपने हेडमास्टर जी का उदाहरण देकर उसने उसे सही राह पर लाने की कोशिश की, प्रयत्न किया। उसने अपने अधिकारों को यूं ही झटकने झटक कर नहीं दिया, और अपने छोटे भाई को ऐसे ही आवारा बच्चों के साथ बाजार में पतंग बाजी करते हुए या पतंग के पीछे भागते हुए नहीं छोड़ा। तो इस तरह से बड़े भाई साहब ने बड़े ही अधिकार से अपने आप को संभालते हुए अपने छोटे भाई को भी किस तरह से उन्होंने हॉस्टल में संभाला, इस बात को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चों, आपके भी छोटे भाई जो हैं, या आपके बड़े भाई साहब होंगे, आपकी बड़ी दीदी होंगी, वो आपको भी इसी तरह से डांटती होंगी, फटकारती होगी। उस समय आप लोगों को उसका गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा किसी भी बात पर नहीं करना है बच्चों, क्योंकि ये सब आपके भलाई के लिए करते हैं। आपकी अभिभावक हैं वो, आपका अच्छा चाहते हैं, इसीलिए आपकी गलतियों पर वो गुस्सा होते हैं और आपको डांटते हैं ताकि आप अपनी गलती को सुधार सकें। तो बच्चों, आगे देखते हैं कि लेखक की इस बात पर किस तरह की सहमति रही। लेखक बड़े भाई साहब की इस बात से पूरी तरह सहमत है कि बड़ा और अधिक अनुभवी होने के नाते बड़े भाई साहब को उससे अधिक समझ है। उसने बड़े भाई साहब से कहा कि आपको मुझसे यह सब कहने का पूरा अधिकार है। ऐसा सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगा लिया और बोले कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी तो दिल करता है कि पतंग उड़ाऊं, पर यदि मैं ऐसा करने लगा तो तुम्हें किस प्रकार समझाऊंगा। उसी समय एक कटी हुई पतंग ऊपर से गुजरी और बड़े भाई साहब ने लपक कर उस कटी पतंग की डोर को पकड़ लिया और हॉस्टल की ओर दौड़े। लेखक भी अपने बड़े भाई के पीछे दौड़ रहा था। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमने देखा है कि लेखक के बड़े भाई साहब इतने भी बड़े नहीं थे, उनका भी अपना एक बचपन था, लेकिन उन्होंने अपने बचपन को किस तरह से तिरोहित कर दिया था। अपनी इच्छाओं को केवल अपने छोटे भाई को सुधारने के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाएं जो थी वो सब को उन्होंने दबा कर रखा था, केवल अपने छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए, उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करवाने के लिए। और उन्होंने कितने अच्छी तरह से समझाया कि अगर मैं भी इस तरह से खेल कूद में अपना मन लगाऊंगा तो तुम्हें किस तरह से समझाऊंगा। तो बच्चों, यहाँ पर ही हमें समझ में आ जाता है कि दूसरों को सलाह देने से पहले हमें उस बात को आत्मसात करना चाहिए, उसका अवलंबन खुद करना चाहिए, तो ही हम पूरी तरह से हकदार बनते हैं किसी को सलाह देने के लिए, किसी को समझाने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर इसी बात पर छोटे भाई को अपने बड़े भाई के प्रति बहुत गर्व महसूस होता है और वो मान लेता है कि भले ही बड़े भाई पढ़ाई में कम है, लेकिन वो मुझसे बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, लेकिन उम्र में बड़े हैं, और उनका मुझे डांटना फटकारने का पूरा पूरा अधिकार है। और इस बात को उन्हें मन से स्वीकार कर दिया और इस तरह से दोनों भी भाई हंसी खुशी हॉस्टल में चले गए। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से अपने पुस्तक में ही लिख सकते हैं या अपने कॉपी में लिख कर उसे याद कर इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो कथानायक यानी लेखक हैं, जिन्हें खेल कूदने का बहुत ही शौक है, ऐसे लेखक ने अपने बड़े भाई के प्रति, अपने बड़े भाई साहब के ऊपर ये जो
कहानी यहाँ पर लिखी हुई है और वो शायद आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी, आपसे बड़े जो भाई साहब हैं उनके प्रति, वो जब आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, तो आप भी उन्हें कभी पलट कर कोई जवाब नहीं देंगे और उनके उस डांट फटकार को कभी गुस्सा नहीं करेंगे, कभी गलत मतलब नहीं निकालेंगे और उनका कायम स्वरूपी आदर करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे और उन्हें भी इस तरह से परेशान न होने देंगे कि वो आपके पीछे हरदम लगा रहें और केवल आपके लिए वो अपने किसी इच्छाओं को दबा कर रखें। तो इस तरह से आप भी अलर्ट रहेंगे और अपने बड़े भाई साहब को हमेशा एक अच्छा दर्जा देकर, मान सम्मान देकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बच्चों, यह पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा, इसे अच्छी तरह से पढ़िए और समझने का, उसे अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।